Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, you are watching my channel BSc Nursing Electives, and today's topic is value of play and selection of play material. And I'm Ulfat Amin, PG Pediatric Nursing, Diploma in Nursing Administration. What's the play? अगर हम बात करेंगे, जैसे कि बच्चों का, बड़ों का काम होता है कि वो दिन भर काम करते रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क दे डू, तो सेम वे बच्चों का जो काम होता है वो दिन भर यही होता है कि उनको खेलना है. ठीक है, प्ले से क्या होता है, बच्चे लर्न करते हैं डिफरेंट चीज़ों को, मैच्योर होते हैं, उनकी डेवलपमेंट होती है प्ले से. और जो एक प्ले होता है ये उनके रहने का एक ज़रिया होता है, द वे ऑफ लिविंग. What's the definition? Play is an activity in which anyone is engaged for enjoyment without considering its end results. हाँ, जैसे कि author ने बोला है कि play वो चीज़ है जिसमें क्या होता है, end results नहीं देखते हैं, बस enjoyment के लिए लोग इस चीज़ के साथ engaged हैं. अगर हम इम्पोर्टेंस देखेंगे प्ले की, क्या है वो है, जो प्ले होता है ये एक चाइल्ड के वेरियस एस्पेक्ट्स को डेवलप करता है. अगर हम देखेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, कौन कौन सा एस्पेक्ट डेवलप होता है, पहले ही हम देखेंगे फिजिकल एस्पेक्ट. फिजिकल एस्पेक्ट में क्या होता है, मस्क्यूलर एंड सेंसरी एबिलिटीज जो एक इंसान की, एक बच्चे की होती है वो डेवलप होती है. मसल्स जैसे पता है हमें डेवलप होती है. सेंसरी एबिलिटीज़ में क्या होता है, उसको उसका परसीव करना, उसका इंटरेक्ट करना, या सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, सेंस ऑफ टच, इसका जो होता है वो डेवलप होता है. तो जो इन्फेंट्स होते हैं और जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो प्ले करते हैं लाइक रैटल्स के साथ, बॉल्स के साथ, या डिफरेंट टॉयज़ के साथ. तो उनको क्या मिलता है, वहाँ से एक सेंसरी स्टिमुलेशन, टैक्टाइल स्टिमुलेशन मिलता है, ऑडिटरी स्टिमुलेशन, जैसे रैटल से ऑडिटरी स्टिमुलेशन मिलता है, या बाल को वो छूते तो उनको एक टैक्टाइल स्टिमुलेशन मिलता है, या वो कलरफुल चीज़ कोई देखते हैं तो उससे उनको विजुअल स्टिमुलेशन मिलता है. अब जो टॉडलर्स होते हैं वो क्या, टॉडलर्स और प्री स्कूलर्स, वो हमेशा उन एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं लाइक जिनमें लार्ज मसल्स उनकी इंगेज हो जाएंगी, लाइक रनिंग, क्लाइंबिंग, एक्सप्लोरिंग एनवायरनमेंट. और स्कूल चिल्ड्रन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बाइसिकल राइडिंग एंड रेसिंग. अब अगर हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में एक बच्चे की क्या डेवलपमेंट होती है प्ले से, उसको पता चलता है कि किस चीज़ का साइज़ डिफरेंसेस आती हैं, शेप डिफरेंसेस उसको आती हैं, कलर डिफरेंसेस या टेक्सचर का पता चल जाता है उसको, वो रिलेशनशिप चीज़ों का समझ आता है उसको, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है उसकी डेवलप होती है, और क्या इसमें हो जाता है बच्चे का एंगेज हो जाता है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ में, और उसको रियलिटी और फैंटेसी के बीच डिफरेंस समझ आ जाता है. मॉरल वैल्यूज़, मॉरल डेवलपमेंट में बच्चे का क्या होता है प्ले से, उसको क्या आ जाता है, वो ऑनेस्ट बनता है, केयरिंग बनता है, रिलेशनशिप उसको आते हैं डेवलप करने, एक कंपैशनेट नेचर उसका हो जाता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बढ़ जाती है. अगर हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, देखो एक मैदान में या ग्राउंड में कहीं पे बच्चे खेल रहे, तो एक बच्चे को अगर लग जाती है, अगर हम देखेंगे बाकी बहुत सारे बच्चे जाते हैं उसको देखते हैं कहाँ पे लगी है, या उसको उठाते हैं वहाँ से, ये है केयरिंग जो इनमें आता है, या कंपैशन जो डेवलपमेंट इनमें होती है, या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनमें डेवलप हो जाती है, और ग्रुप वैल्यूज़ उनको समझ आते हैं इसमें. क्रिएटिव डेवलपमेंट क्या होती है, अगर हम बच्चे को क्रिएटिव प्ले देंगे, लाइक हम उसको क्ले देंगे, पेपर देंगे, या डिफरेंट पेंट्स देंगे, तो उससे क्या होता है, वो उसके अंदर जो चीज़ें होती है वो उसको बाहर एक्सप्लोर हो जाती है, लाइक पेपर से वो एरोप्लेन बनाते हैं, बोट्स बनाते हैं, या पेंटिंग से वो डिफरेंट चीज़ें पेंट करती है, तो उनका जो इंटरनल वर्ल्ड हो होता है वो आउटसाइड द वर्ल्ड अपीयर होता है. अगर हम देखेंगे थेरेपेटिक डेवलपमेंट, हाँ थेरेपेटिक डेवलपमेंट जो है ये हमेशा कहाँ पे अप्लाई होता है, वहाँ पे जहाँ पे एक बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड होगा, तो
जब एक बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो उसको क्या होता है, उसको स्ट्रेंजर एंग्जाइटी होती है, उसको सेपरेशन स्ट्रेस हो जाता है, उसको बहुत सारी टेंशन्स होती है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है किसी के साथ। तो अब अगर क्या करेंगे, वहाँ पे प्ले रूम रखेंगे हॉस्पिटल में, उसको दिन में 2-2 घंटा वहाँ ले जाया करेंगे, तो वो जो अपना एंगर है या अपना स्ट्रेस है वो एक्सप्रेस करेगा विद हेल्प ऑफ प्ले, और उसको क्या होगा, वो कोप अप करेगा उस स्ट्रेस को जो उसको ट्रॉमेटिक सिचुएशन की वजह से हो जाता है। और क्या होगा, बच्चे को उसके बाद वो कम्युनिकेट करना सबके साथ स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या बढ़ेंगे, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन जो होती है वो क्या है, सोशलाइजेशन जैसे हमें पता है मिलना जुलना एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ऐसे ही जब बच्चे प्ले स्टार्ट करते हैं, ये डिफरेंट लोगों के साथ मिलते हैं, ग्रुप्स के साथ मिलते हैं, या पेरेंट्स के साथ अगर प्ले करेंगे तो पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनता है, पीयर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनता है, तो प्ले से सोशलाइजेशन होती है एक इंसान की, ठीक। उसके बाद अगर हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ द प्ले क्या होती है, डाइवर्शन, हमें कैसे डाइवर्ट होते हैं। जैसे हमें पता है हम अभी सारे लोग लॉकडाउन में हैं, तो हम डिफरेंट इंडोर गेम्स प्ले करते हैं, क्यों, ताकि हमें डाइवर्ट हो, हम हमारा जो जहन है वो इस कोरोना वायरस से थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हो, या उस चीज़ से डाइवर्ट हो कि हम किसी जगह पे बंद है, ये हमें रिलैक्स करता है। या जो हॉस्पिटलाइज्ड बच्चे होते हैं उनको जो स्ट्रेस ऑफ सेपरेशन होता है या होम सिकनेस जो होती है वो ठीक कर देती है, टेंशन लोगों का ठीक करता है, या लोग इससे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, इंटरेक्शन इससे इनक्रेज होती है। कैसे, जैसे कि अगर हम देखेंगे जो लोग प्लेग्राउंड में होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं आराम से, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। कैसे, अगर एक बच्चा गिरेगा तो दूसरा बच्चा जो है वो उसकी हेल्प के लिए जाता है, तो दैट इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्स अदर्स। हाँ, वो ये नहीं करता है बर्दाश्त कि ये गिरे नहीं, वो सोचता है नहीं मैं उसको उठाऊँ, चाहे फिर वो कौन हो और कौन नहीं हो। उसके बाद आउटलेट फॉर क्रिएटिव आइडियाज़ इससे मिलते हैं, इंटरेस्ट लोगों के बढ़ जाते हैं, एकम्प्लिश जो होते हैं थेरेप्टिक गोल, जैसे हमने अभी पढ़ा हॉस्पिटलाइजेशन जो होते हैं चिल्ड्रन, उनमें ये थेरेप्टिक गोल का रोल करता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्ले क्या क्या है, इसमें क्रिएटिव डेवलपमेंट क्या होती है, अगर हम बच्चे को क्रिएटिव प्ले देंगे, लाइक हम उसको क्ले देंगे गेम में। पैसिव प्ले में क्या होता है, बच्चे देखते हैं दूसरों को खेलते हुए, या वो वीडियोस देखते हैं, वीडियो गेम्स देखते हैं, खुद प्ले नहीं करते हैं। स्किल प्ले, स्किल प्ले वो प्ले होता है जिससे बच्चों का स्किल डेवलप होता है। अगर हम देखेंगे ये पजल सॉल्व कर रहा है ये बच्चा, तो इससे इसका क्या है, इससे इसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है। अगर ये देखेंगे ये ट्रेन बना रहा है, तो इससे भी इसका स्किल डेवलप हो जाता है। रूल्स, प्ले विद द रूल्स, जैसे कि यहाँ पे ये दो गेम्स है, तो इनमें क्या है, अगर एक बच्चा डालेगा एक बार तो दूसरे को दूसरे बार डालना नहीं, अगर एक दो टर्न लेगा एक एक ही टर्न, दूसरा उसको बोलेगा नहीं आप चीट कर रहे हो मुझे नहीं खेलना है, तो कुछ रूल्स होते हैं और अंडर दैट रूल्स बच्चे प्ले करते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ द प्ले क्या होती है, डाइवर्शन, हमें कैसे डाइवर्ट होते हैं। जैसे हमें पता है हम अभी सारे लोग लॉकडाउन में हैं, तो हम डिफरेंट इंडोर गेम्स प्ले करते हैं, क्यों, ताकि हमें डाइवर्ट हो, हम हमारा जो जहन है वो इस कोरोना वायरस से थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हो, या उस चीज़ से डाइवर्ट हो कि हम किसी जगह पे बंद है, ये हमें रिलैक्स करता है, या जो हॉस्पिटल। नाउ सिलेक्शन एंड द केयर ऑफ द प्ले मटीरियल, अगर हमें क्या है, सिलेक्शन एंड द प्ले मटीरियल जो है वो एज पे डिपेंड करता है, किसकी क्या एज होगी, लाइक इन्फेंट की डिफरेंट है, टॉडलर की प्ले मटीरियल डिफरेंट है, प्री स्कूलर की डिफरेंट है, एबिलिटीज़ एक बच्चे की क्या होगी, इंटरेस्ट्स, किसी का इंटरेस्ट है म्यूज़िक में, किसी का है ड्राइंग में, किसी का डांसिंग में है, लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, कल्चरल एक्सपीरियंसेस उनके क्या है, पर्सनैलिटी कैसी, और इंटरल लेवल ऑफ द प्ले मटीरियल शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सेफ, वॉशेबल होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, ईजी टू हैंडल एंड अनब्रेकेबल, क्योंकि अगर कोई पार्ट टूट गया तो बच्चा उसको निगल सकता है, रियलिस्टिक होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए, बेस्ड ऑन द रियलिटी होने चाहिए, शार्प एजेस उनके नहीं होने चाहिए, नाते हैं। स्किल प्ले, स्किल प्ले वो प्ले होता है जिससे बच्चों का स्किल डेवलप होता है। अगर हम देखेंगे ये पजल सॉल्व कर रहा है ये बच्चा, तो इससे इसका क्या है, इससे इसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है। अगर ये देखेंगे ये ट्रेन बना रहा है, तो इससे भी इसका स्किल
बच्चे होते हैं उनको देना चाहिए. चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट द फॉलोइंग करेक्ट यूज़ ऑफ टॉयज. हमेशा गार्डियन को या पेरेंट को समझाना है बच्चों को कि कैसे आप यूज़ करोगे, उनको कैसे सेफ रखोगे, कहाँ पे रखोगे, किस गुड मतलब हमेशा एक गुड कंडीशन में रखना है. या कभी कभी क्या होता है, कोई पार्ट रिपेयर करना होता है या कोई पार्ट डैमेज हुआ होता है तो बच्चे को ब्रोकन टॉयज़ नहीं देने चाहिए. और जो ओल्ड सिबलिंग्स हो उनके टॉयज़ हमेशा यंगर सिबलिंग्स से अलग रखने चाहिए क्योंकि एक्सीडेंट्स के चांसेस हो सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ एंड गेम्स जो भी है वो हमेशा तब प्ले करो जब एडल्ट साथ हो. और पेरेंट्स जो है उनको हमेशा इंटरेक्ट करना चाहिए बच्चे के साथ और इनिशिएट करना चाहिए कि आप कैसे यूज़ करोगे, किस खिलों को कैसे यूज़ करोगे. ठीक है. नाउ द सूटेबल प्ले मटेरियल अकॉर्डिंग टू द एज. इन्फेंट के लिए हम क्या देते हैं, सॉफ्ट टॉयज देते हैं लाइक एनिमल्स, डॉल्स, बॉल्स. ठीक है. और हमेशा जैसे हमने बोला वॉशेबल होने चाहिए, कलर्ड होने चाहिए, नॉट विद स्मूथ एजेस. टॉडलर के लिए क्या देते हैं, पॉट्स, पैंस, पुशेस, पुल टॉयज, डॉल्स, टेलीफोन्स, रॉकिंग चेयर्स या रॉकिंग हॉर्स, बॉल्स देने चाहिए. ठीक है. और हमेशा वो चीज़ देनी चाहिए जो कंटेनर में ना हो, जो कंटेनर में मतलब वो रख सकते हैं या जो शार्प ना हो, और उनकी फिर टॉय देनी चाहिए. प्री स्कूलर्स के लिए क्या है, प्री स्कूलर्स के लिए वो चीज़ें देने हैं जिनमें क्रिएटिविटी उनकी बाहर आए, हमेशा क्रेयॉन्स, पजल्स, पेंट्स, ब्रशेस. ठीक है. म्यूजिकल ड्राम्स, इंस्ट्रूमेंट्स एट्सेट्रा. उसके बाद स्कूल गोइंग के लिए क्या देंगे, डॉल्स देंगे, डॉल हाउस देंगे, टेबल्स, गेमर्स, जंप रूप, बाइसिकल जैसे हमने बोला, पपेट्स, म्यूजिक मटेरियल, ड्रेसअप. और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को हमेशा ये होता है कि वो सज धज के रहना चाहिए, इसीलिए उनको अकॉर्डिंगली चीज़ें दे. ठीक है. एडोलसेंट्स के लिए क्या है, उनको हमेशा अटेंशन की ज़रूरत होती है, उनको वो चीज़ें दे जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, जो उनको लगे कि हाँ हमारी पसंद की चीज़ें हो. जैसे बाल वो खेलेंगे, टेलीफोन, दे नीड टू टॉक टू देयर फ्रेंड्स, दे नीड टू कम्युनिकेट विद देयर फ्रेंड्स एंड पीस, रेडियो ताकि वो अप टू डेट रहे, या कोई भी प्रोग्राम वगैरह हो वो सुने. ठीक है. उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट पेरेंट्स कैन प्रोवाइड टू देयर किड्स इज चाइल्ड स्पेस, मटीरियल एंड केयरिंग एडल्ट्स. क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बच्चे को चाइल्डहुड में टाइम दोगे, स्पेस दोगे, मटीरियल, मटीरियल मीन्स वो चीज़ अवेलेबल रखोगे जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो खिलौना रखोगे जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, या केयर करोगे, तब ही वो एक केयरिंग चाइल्ड बनेगा, तब ही वो एक गुड ह्यूमन बीइंग बनेगा. वो टाइम की कदर करेगा, वो मटीरियल की कदर करेगा, या वो भी प्यार देगा, एंड वो एक वी कैन से वो बच्चा मतलब ऐसा चाइल्ड होगा जो एक सबमिसिव होगा, जो हमेशा ओबीडियंट होगा. ठीक है. अब अगर पेरेंट अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे, उनको खिलौने अवेलेबल नहीं रखेंगे, उनको कोई स्पेस नहीं देंगे, क्योंकि बच्चों की भी अपनी एक प्राइवेसी होती है, उनको केयर नहीं देंगे, तो वो हमेशा क्या बनते हैं, डिस्ट्रक्टिव चिल्ड्रन. ठीक. थैंक यू. दिस वॉज ऑल अबाउट द प्ले. सी यू इन नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़.